वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिर ह्यूमन स्केल्टन। लास्ट वाली वीडियो में हमने ह्यूमन स्केल्टन को ही डिस्कस किया, लेकिन उसमें हमने ह्यूमन स्केल्टन के एक पार्ट को डिस्कस किया था। उसमें हमने एक्सल स्केल्टन सिस्टम को डिस्कस किया और उसमें हमने 80 बोन्स को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे स्केल्टन में बचता है, जिसको हम अपेंडिकुलर स्केल्टन सिस्टम कहते हैं, इसमें 126 बोन आती हैं। अपेंडिकुलर स्केल्टन सिस्टम वो होता है जो सेंट्रल स्केल्टन सिस्टम के अलावा होता है। उसमें हमारी लिम्ब्स आती हैं और उसमें हमारे गर्डल्स आते हैं। तो आइए हम इसको यहाँ पर देखते हैं। टोटल बोन्स 126 बोन्स इस अपेंडिकुलर स्केल्टन सिस्टम के अंदर है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक इसमें गर्डल्स होते हैं और एक इसमें लिम्ब्स होते हैं। गर्डल वो वाला रीजन होता है जिसमें हमारे लेग्स और हमारे आर्म हमारे बॉडी के साथ अटैच है। तो इस रीजन को, ये जो हमारा ऊपर वाला रीजन जहां हमारी आर्म अटैच है, इसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। जहां पर हमारी लेग अटैच है उसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल की बात अगर हम करते हैं, इसमें हमारे पास दो बोन्स होते हैं। एक पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स, इसी तरह से दूसरे पेक्टोरल गर्डल में भी दो बोन्स पाए जाते हैं। पेल्विक गर्डल में एक बोन पाई जाती है एक साइड, और दूसरी साइड भी एक बोन पाई जाती है। कुल मिलाकर 6 बोन पाए जाते हैं। तो अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें, इसमें हमने डायग्राम को डिस्प्ले किया है। इसमें हमारे पास दो बोन्स हैं, एक बोन का नाम क्लेविकल और एक बोन का नाम स्केपुला है। क्लेविकल ये वाली जो बोन हमारे पास, इस तरह की जो बोन है, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये वाली बोन इसको हम क्लेविकल कहते हैं। और पीछे इसके साथ जो बोन है, फ्लैट इसका शक्ल है, इसको हम स्केपुला कहते हैं। यहाँ हम इसको देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें पेक्टोरल गर्डल में एक साइड दो बोन, दूसरे पेक्टोरल गर्डल में भी हमारे पास दो बोन्स। कुल मिलाकर पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स हैं। पेल्विक गर्डल में हमारे पास एक बून है, उसकी डायग्राम हमने यहाँ पर बनाई हुई है। ये सिर्फ एक बड़ी बून है, इसके 3 पार्ट्स हैं। और एक पेल्विक गर्डल में एक बून और दूसरे पेल्विक गर्डल में एक बून, तो टोटल पेल्विक गर्डल में हमारे पास 2 बड़ी बड़ी बून्स हैं। अब आइए हम लिम्ब्स की बात करते हैं। लिम्ब्स में हमारे पास हमारे आर्म्स और लेग्स होते हैं। एक आर्म में हमारे पास, पूरी आर्म में हमारे पास 30 बोन्स हैं, और दूसरी आर्म में भी हमारे पास 30 बोन्स हैं। दैट मीन 60 बोन्स दो आर्म में। इस तरह से लेग में, एक लेग में 30 बोन और दूसरी लेग में भी 30 बोन्स, और टोटल 60 बोन्स। तो कुल मिलाकर 120 बोन्स हमारे लिम्ब्स में पाए जाते हैं। तो हम फोर लिम्ब मतलब हमारी आर्म, और हाइंड लिम्ब हमारी लेग। फोर लिम्ब की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर इस बून का नाम ह्यूमर होता है, एक बून है। यहाँ पर दो बून्स हैं, एक बून का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना। यहाँ पर हमारे पास 5 बून्स हैं, इनको हम रिस्ट कहते हैं या कार्पल्स कहते हैं। 8 बून्स यहाँ पे हैं, इनको हम रिस्ट या कार्पल्स कहते हैं। यहाँ पर इनको मेटाकार्पल्स, यहाँ 5 बून्स हैं। और उंगलियों पर हमारे पास इनको फ्लेंजेस कहते हैं, इसमें 14 बून्स हैं। यहाँ पर एक ह्यूमर बून, यहाँ पर दो रेडियस और अल्ना, यहाँ पर 8 बोन्स, इनको हम कार्पल्स कहते हैं। और यहाँ पर आगे मेटाकार्पल, जहाँ पे 5 बोन्स और यहाँ पे 14 बोन्स, इनको फ्लेंजेस कहते हैं। इस तरह से हमारी हाइंड लिम्ब लेग के अंदर भी पहली बून का नाम, जिसको हमने फ्यूमर कहा है, इसको थाई बून भी कहते हैं। सबसे बड़ी बून हमारी बॉडी की यही है। उसके बाद दो बून आते हैं, उनको हम टीबिया और फिबुला कहते हैं। और एक गोल गोल सा बून होता है, उस बून का नाम पेटीला होता है। आफ्टर दैट जब हम नीचे जाते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे इसको हम कहते थे कार्पल्स, तो इस तरह से हमारे यहाँ पाँव के ऊपर एंकल होता है, उसको हम एंकल कहते हैं। वहां पर 7 बूंद होते हैं। उससे आगे जब निकलते हैं तो उसको मेटाटार्सल कहते हैं, वहां 5 बूंद। और हमारे जो उंगलियां पैरों की, उनको हम फ्लेंजेस कहते हैं, वहां पर 14 बूंद। तो कुल मिलाकर एक टांग में हमारे पास 30 बूंद, और दूसरी टांग में भी 30 बूंद। एक बार और रिपीट करते हैं टांग की बूंद। एक का नाम है थाई बूंद, जो लंबी बूंद है। उसके बाद टिबिया एंड फिबुला, दो बूंद। उसके बाद पेटीला, एक गोल गोल सा बून हमारे इसके ऊपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट टार्सल में हमारे पास 7 बून्स, और मेटाटार्सल में 5, और फ्लेंजेस में 14 बून्स। तो कुल मिलाकर हमारा ये टॉपिक
कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक में हमारे पास दो लेक्चर्स आए, जिसने भी हमारे इस लेक्चर को देखा, आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, जब तक हमारा नया टॉपिक आए तब तक वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स।